Hi everyone, this is your bhai Bombay, an engineer, a sales professional, model cum actor, ramp show choreographer, a bike enthusiast, a YouTuber, basically an imaginist. So welcome to my new video. Aaj hum is video mein ek choti si trip karenge in the memory lane aur chalenge apne childhood mein aur dekhenge wo kaun kaun se games the jo hum apne time par apne cousins, apne chote bhai behan अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली आज के बच्चों से अगर आप पूछें तो उनका नाम भी उन्हें शायद नहीं मालूम होगा आज के टाइम पे गेम्स लाइक COD, PUBG, जो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत पसंद है और मैं खेलता हूँ, सो उन गेम्स के बारे में देखते हैं कैसे हम खेलते थे, क्या रूल्स थे उनके. और आपको ये करना है कि अगर कोई ऐसा गेम है जो मैं मिस कर रहा हूँ और आप खेलते हो, जिसको खेल के शायद आपको बहुत मज़ा आता हो या आपको वो गेम याद आ रहा हो, या इवन इस लॉकडाउन के टाइम पे आप अपने फैमिली के साथ उसे खेल रहे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट से ज़रूर बताएं. सो लेट स्टार्ट द वीडियो. बिफोर वी मूव ऑन टू द गेम्स, आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस टू द स्पेशल गेस्ट. यस, आज इस वीडियो के लिए वी हैव अ स्पेशल गेस्ट जो इन सारे गेम्स को हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और बताएंगे कि कुछ स्पेशल रूल्स. सो ही इज़ अ वेरी बिग पर्सनैलिटी ऑन फेसबुक, इंस्टा, यू कैन फाइंड हिम एनी वेयर. एंड मेरे साथ ये बचपन से हैं, वी आर लाइक एक जिसमें एक जान. सो देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ वेलकम करिए सिद्धांत सुशील का. सॉरी, सिद्धांत सुशील का. ओ हाय हाय बाबा, मैं यूट्यूब पे हूँ. लॉकडाउन के टाइम पे आप लोग भी फ्रूट्स खाइए, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ. तो सबसे पहला गेम है चिड़ियाओ. इसमें आपके सारे फ्रेंड्स एक जगह पर अपनी फिंगर रखते हैं, एक बंदा कॉल करता है और बाकी सब बंदों को उसके हिसाब से वो चीज़ उड़ती है या नहीं, उन्हें उसको उड़ाना पड़ता है. जो गलत टाइम पर उसे उड़ा दे उसे पनिशमेंट मिलती है. तो आइए खेलते हैं गेम. सबसे पहले चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, मच्छर उड़, मक्खी उड़, कुत्ता उड़. तो आइए अब देखते हैं इसकी सजा. भाई प्लीज आराम से मारियो, भाई 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 आराम से मारियो. तो सबसे पहले हम रखते हैं पतीला. पतीले में चढ़ाएंगे थोड़ा सा पानी, पानी में डालेंगे चाय पत्ती. उबलने दो, उबलने दो. आराम से, आराम से. हाँ भाई, तो कहाँ के कुत्ते उड़ रहे थे. चाय पत्ती के बाद डाला चीनी. उबलने दो, उबलने दो, उबलने दो. भाई ऐसे तो अगर तुम ही कॉल करते रहोगे तो मैं ही पिटता रहूंगा, क्योंकि तुम तो गलत पे भी उड़ा सकते हो. हाँ, तो इसीलिए तो हर राउंड के बाद वो कॉल करने वाला चेंज हो जाता, तो इस हिसाब से अब तुम्हारी बारी आई, तो हम चलते हैं नेक्स्ट गेम. तो हमारा सेकेंड गेम है आइस स्पाइस, जो आजकल के बच्चे उसे हाइड एंड सीक के नाम से भी जानते हैं. तो इसके दो लेवल्स होते हैं. एक होता है बिगिनर लेवल, जो कि आप कहीं पर भी अपने घरों में, पार्क में, अपने रूम में, कहीं पर भी खेल सकते हो. और दूसरा होता है जो लेजेंड्स खेलते थे, डार्क रूम. इसे एक अंधेरे कमरे के अंदर खेला जाता है और जो बंदा डेन होता है उसे एक अंधेरे कमरे के अंदर लोगों को ढूंढना होता है और उनके नाम लेके उन्हें आइस स्पाइस बोलना होता है. ओके, तो सिर्फ मैं 10 तक गिनूंगा. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक 10. टिप. अबे यार, डिनर के पीछे कौन छुपता है, मैं नहीं खेला. नेक्स्ट गेम. सो हमारा थर्ड गेम है, इसका नाम है पेपर क्रिकेट. मेरी राइटिंग पे मत जाना, ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्रिकेट फील्ड बनाते हैं. यहाँ पर रहते हैं 3 स्टंप, यहाँ पर 3 स्टंप. अब एक होता है बैट्समैन, एक होता है बॉलर. ये रहा बैट्समैन का पॉइंट. अब जो बॉलिंग टीम होती है वो ऐसे करके 11 प्लेयर्स, एक विकेट कीपर, एक बॉलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे करके अपने सारे फील्डर सेट करती है और फाइनली
ये बंदा जो बैट्समैन होता है वो पेन को ऐसे रख के ऐसे मारता है। अब अगर डायरेक्टली बंदे के ऊपर से गए तो ही इज आउट। नेक्स्ट बॉल, अब ये बाउंड्री तक नहीं गया है तो दिस इज एक रन। नेक्स्ट बॉल, सॉरी दिस इज अ डबल क्योंकि आसपास कोई फील्डर नहीं है। सो इस तरीके से करके हम पूरी इनिंग, आई गेस 2 ओवर का मैच रख सकते हो आप। 6 मारना थोड़ा सा इसमें देखने में तो इजी लगता है लेकिन जब आप खेलोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगेन 1 रन। तो आप दो टीम दोनों बारी बारी बैटिंग करिए 2 पेजेस पे और देखिए कौन जीतता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इस सुंदर से सनसेट के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए ही सही बट मेमोरी लेन में एक छोटी सी ट्रिप मार के आए और इन्जॉय करो एंड घर पे रहो। आई नो इस टाइम पर लॉकडाउन थोड़ा सा ईज आउट हो गया बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया। सो जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक आप लोग घर पे ही रहिए, सारे प्रिकॉशंस लीजिए। एंड एक राज की बात छोटी सी, सिद्धांशु शीली बॉम्ब भाई है।